नमस्कार किरीने जी, स्वागत है। देखिए इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन जो कि डीयू के अंडर में है, वहां से वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका लास्ट डेट होने वाला है 29 मई, यानी 29 मई लास्ट डेट होने वाला। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, वेबसाइट यहाँ गिवन है, देख सकते हैं आपको पैरा के एंड में, फर्स्ट पैरा के एंड में colrec.uod.ac.in, इस पर जाके आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं, और देखिए इसमें जो पेमेंट मिलने वाला है, 10th लेवल का पेमेंट होगा अकॉर्डिंग टू CPCE 7th, जो कि 57,700 बेसिक पे होगा, और ये आपको मैक्सिमम 182,000 तक जाएगा, है ना। आइए सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है, कैटेगरी आप देखते चलिए अपने हिसाब से। अगर कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो अनरिजर्व में आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व सबके लिए ओपन होता है। तो देखिए कॉमर्स में टोटल 11 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 है, एससी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। फिर वैसे ही कंप्यूटर साइंस में 9 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इकोनॉमिक्स में 8 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 3 है, जिसमें एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इंग्लिश में 10 वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व को जा रहा है, 1 एससी को जा रहा है, 1 एसटी को जा रहा है, 2 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1 दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। यहाँ कोड दिया गया है दिव्यांग कैंडिडेट का अलग अलग, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अदरवाइज गूगल से भी जा सकते हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन अंडर ड्यू। इंग्लिश में हो गया, देख इंग्लिश में देखिए 10 वैकेंसी है, तो 4 वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए, और फिर एक वैकेंसी एससी के लिए, एक वैकेंसी एसटी के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है। एसडीएफई में देखें तो 2 वैकेंसी है और दोनों ओबीसी को जा रहे। हिंदी में देखें 8 वैकेंसी है, 8 में 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी एससी के लिए को जा रहा है, एक वैकेंसी ओबीसी को जा रहा है, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस को, और एक वैकेंसी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। हिस्ट्री में 7 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 वैकेंसी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। मैथमेटिक्स में 7 वैकेंसी है, जिसमें 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 एससी को जा रहा है, 1 एसटी को जा रहा है, 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। नहीं, फिलोसफी में देखें तो 9 वैकेंसी है, जिसमें 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी एससी को जा रहा है, 1 एसटी को जा रहा है, 3 ओबीसी को जा रहा है, 1 ईडब्ल्यूएस को जा रहा है। फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में 10 वैकेंसी है, 4 जिसमें वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 2 एससी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। साइकोलॉजी में देखें तो 10 वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व के लिए, 2 जो है एससी के लिए, एसटी के लिए, 1 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में 3 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। फिर वैसे संस्कृत में देखें 4 वैकेंसी है, जिसमें 1 वैकेंसी एससी के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। ENVS में देखें तो 8 वैकेंसी है, जिसमें 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1 वैकेंसी जो है आपको संस्कृत में दिव्यांग, अच्छा ENVS में दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ज्योग्राफी में 11 वैकेंसी है, जिसमें 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। सोशियोलॉजी में 8 वैकेंसी है, जिसमें 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए, और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 वैकेंसी है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो है 123 वैकेंसी है, जिसमें 44 अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 20 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी एसटी के लिए है, और ओबीसी के लिए 32 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी, और दिव्यांग के लिए 5 वैकेंसी। इसमें जो है आपको नेट कंपलसरी होने वाला, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, और जो लोग पीएचडी 2009 या 2016 के रेगुलेशन से करा है, उनको नेट में एग्जेम्पशंस मिलेगा। यहाँ देख लीजिएगा, है ना, यहाँ दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ है डाउनलोड करके, बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। फी की बात करें तो इसमें जो है आपको
फी जो होने वाला है 500 फी होने वाला है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी और मेन के लिए इसमें फी में एग्जेम्पशन से यानी उनसे कोई फी नहीं लिया जा रहा है। सो गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।